हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बाथरूम फ्लोर क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो ये मेरा बाथरूम क्लीनिंग व्लॉग होगा। तो सबसे पहले मैं बाथरूम को साफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ करना है, तो सब सामानों को बाहर निकाल देती हूँ और ये बाल्टियों को कलेक्ट करके, और ये जो बोतलें भरी हुई हैं, आप सोचेंगे ये क्या कर रखा है, लेकिन ये मंतव्य ने किया हुआ है, क्योंकि जब वो नहाता है ना, तो उसको ये सब नहाते टाइम उसके छोटे मोटे चीज़ें चाहिए, तो वो मतलब सब तरह के उसमें, जैसे ये आइसक्रीम के कप्स हैं और बॉटल्स हैं, इनमें पानी भर भर के फिर नहाते टाइम अपने ऊपर डालता है। मग का यूज़ नहीं करता है वो, इनका यूज़ करते हुए मतलब पानी से एक तरह से उसका खेलना होता है, वो भी कभी कभी जब उसकी छुट्टी होती है तब। तो इसको क्या करती हूँ मैं, कभी निकाल के भी रख देती हूँ, पर फिर वो ढूंढ ढूंढ के निकाल के ले आता है। तो अब मैं इन सबको हटा देती हूँ पहले बाथरूम में से, फिर फ्लोर को क्लीन करेंगे। और ये जो शैम्पू के पैकेट्स हैं, वो शैम्पू लगा के यूज़ कर लेते हैं तो वो खाली पड़े रह जाते हैं ऐसे ही। और ये जो बारिश का टाइम है यहाँ गुवाहाटी में, तो थोड़ा वो नीचे फ्लोर पर है, तो ये बाथरूम में होकर ये पानी वाले कीड़े होते हैं ना, जो पानी में निकलाते हैं, तो ये बाथरूम में आ गया था। बस इसको पानी के प्रेशर से मैं मोरी की तरफ कर रही हूँ, ताकि ये बाहर निकल जाएगा जाली में से निकल के। और यहाँ मैं थोड़ा पानी के प्रेशर से पहले जो जो हल्का हल्का गंदा है उसको सब साफ़ कर लेती हूँ, ताकि ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़े। और अब यहाँ मैंने कि पूरा बाथरूम क्लीन कर रहे हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी मैं मशीन लगाती हूँ, मशीन लगाने के बाद ये जो एक जगह जो काला काला इकट्ठा हो गया है, ये वॉशिंग मशीन यूज़ करने से ही हो गया है, क्योंकि उसका क्या होता है, मशीन लगाना होता है उस दिन, वैसे ही पूरा दिन बिजी जाता है, तो पूरा दिन निकल जाता है, कपड़े धो डालो सुखाओ करो, और फिर बारिश का मौसम है तो लाने करने के में भी पूरा टाइम निकल जाता है। तो वॉशिंग मशीन को फिर यहाँ से निकालो, सेट करो, फिर रखो, तो उससे क्या होता है, पूरा मतलब थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर इसको साफ़ करने का मन भी नहीं करता है। तो ये क्या, मैंने सोची थी दूसरे दिन कर दूँगी, सुबह कर दूँगी, नहाते टाइम कर देंगे, पर ये हो नहीं पाता। तो इससे क्या होता है कि ये काला काला जमा ही रह जाता है, और मैंने सोचा मैंने कि चलो आज इसको कर ही लेते हैं, बहुत दिन हो गए इसको गंदे पड़े हुए। तो ये देखिए, झाड़ू से मैं जो हल्का हल्का गंदा है उसको पहले साफ़ कर देती हूँ नीचे से, और ऊपर से भी इसको साफ़ कर देती हूँ। और इसको झाड़ू की हेल्प से मैं थोड़ा रगड़ देती हूँ, ताकि ये जल्दी से आराम से अच्छे से छूट जाएगा और बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा एकदम साफ तरीके से। इस जगह पे क्या होता है कि ये ऊपर का पार्ट पड़ जाता है, और लेकिन ये यहाँ थोड़ा गड्ढा सा रहता है हल्का सा, जिसमें पानी भर जाता है, और पानी भरा रहता है तो उसकी वजह से ये काला काला और भी ज़्यादा और जल्दी हो जाता है। और अब ये क्लीन हो गया है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ है, एकदम दिख रहा है। और अब मैं यह पूरे बाथरूम को, ये जो थोड़ा हल्का हल्का सा गंदा है, उसको पानी की प्रेशर की हेल्प से मैं निकाल देती हूँ पहले, फिर ताकि पता चले कि कितना ज़्यादा गंदा मतलब जिद्दी दाग है जिसको मुझे रगड़ना है हाथों से। तो बस पानी की हेल्प से मैंने निकाल दिया है सारे जो ऊपर ऊपर मोटे मोटे जो भी गंदा था। और अब मैं यहाँ थोड़ी सी सरफ यूज़ करने वाली हूँ, मैं हार्पिक यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि हार्पिक की हेल्प से क्या होता है, टाइल्स जो जगह जगह से सारी एक इक्वल साफ नहीं हो पाती हैं, वो जगह जगह जहाँ पड़ता है वहाँ गंदा और वाइट कलर का धब्बा सा लगा देता है। तो इससे क्या है, मैं इससे अच्छा तो मैं सरफ़ यूज़ करती हूँ, सरफ़ डाल देती हूँ। और मैंने पहले तो मैं क्या करती थी, पहले बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब मैंने एक नया ट्रिक यूज़ किया है बाथरूम के फ्लोर को जल्दी से क्लीन होने के लिए।
और रब मैं यहाँ एक डंडे की हेल्प से, और ये जो पोछा है जिसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मेरे दो पोछे हैं, तो ये पहला वाला पुराना पोछा है, इसको मैं अब यहाँ बाथरूम के फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। अब इसको मैं थोड़ा पहले तो सूखे को ही मैं इसको फ्लोर पर रगड़ देती हूँ डंडे की हेल्प से। इससे क्या होता है कि हाथ बैठकर, एक तो बैठकर पैरों पर जो जोर पड़ता है वो नहीं होता है, और बैठकर जो क्लीन करना होता है ना उसमें बहुत दिक्कत होता है, और इस तरह से क्या इतना टाइम भी नहीं लगता, और इसको अपन एक मिनट के अंदर अंदर भी इसको हम साफ़ कर सकते हैं, वो बहुत ही जल्दी और आराम से हो जाता है, कोई हैट्रिक वाला काम नहीं होता है इसमें। यहाँ सूखे को ही पहले मैं सब जगह घुमा लूँगी ताकि इस पर भी थोड़ा सर्फ लग जाएगा। सर्फ लगने से क्या होगा कि सब जगह पे इक्वल सर्फ लगेगा, कि जो जो जहाँ पे सर्फ नहीं लगा होगा ना, पड़ा होगा, वहाँ पे भी लग जाएगा। इसको करने के बाद थोड़ा इसको गीला कर लेंगे पहले। ऐसा करने से ना फ्लोर बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से, इक्वल तरीके से, कोई भी दाग धब्बा नहीं रहता है ऐसे। इसमें थोड़ा बस इसको सारे पोंछे को ना पूरे जगह पे फैलाना होता है, जगह जगह डंडे की हेल्प, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। बिल्कुल हाथ से क्लीन करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से क्लीन हो जाता है इस डंडे की हेल्प से। और अब बाथरूम का फ्लोर क्लीन हो गया है, अब मैं यहाँ पोछे को है ना एकदम साफ तरीके से, एकदम क्लीन तरीके से धो के साफ कर देती हूँ, ताकि ये बाद में यूज़ करने पे गंदा ना रहे। और ये देखिए कितना मैल और गंदा पानी निकल रहा है इसमें। और अब फ्लोर तो क्लीन हो गया है, लेकिन बाथरूम की जो वॉल हैं, दीवारें हैं, वो गंदी हो रखी हैं। तो अभी तो मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे और भी काम करना था जिसके लिए मैं लेट हो रही हूँ। तो मैंने सोचा आज फ्लोर क्लीन कर लिया है, किसी नेक्स्ट दिन, या मैं सोची थी एक दो दिन के अंदर ही इसकी दीवारों को भी क्लीन करूँगी, जिससे क्या है पूरा बाथरूम क्लीन हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि दीवारें करूँगी जब तक फ्लोर फिर गंदा हो जाएगा,
तो इससे अच्छा है कि मैं एक दो दिन के अंदर ही इसकी वॉल्स को भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि पूरा बाथरूम क्लीन हो जाएगा एकदम। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी दीवारों को क्लीन करेंगे। और मैंने जो पोंछा की हेल्प से फ्लोर को क्लीन किया है, और जो गंदा गंदा निकला था उसको मैं पानी की हेल्प से झाड़ू के थ्रू बाहर निकाल दूँगी, जो पानी के बहाव के साथ और झाड़ू की हेल्प से सारा गंदा मैल निकल जाएगा। अब हो गया बाथरूम क्लीन, जो मैंने पानी था वो भी झाड़ू की हेल्प से उसको निकाल दिया है। अब मैं थोड़ा जो हल्का फुल्का पानी जो बच गया है झाड़ू से भी, उसको मैं वाइपर की हेल्प से पूरा सुखा लूँगी, ताकि क्या होता है कि बाथरूम गीला रहेगा या कोई भी बाथरूम यूज़ करने आएगा तो उसके पैरों से फिर से बाथरूम गंदा हो जाएगा। तो इससे क्या है, कोई भी बाथरूम यूज़ करने आए उससे पहले बाथरूम सूखा मिले और पानी सूख जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो क्लीन का क्लीन ही रहेगा। और अगर फ्लोर गीला रहेगा तो मंतव्य भी है कि वो मतलब स्लिप हो सकता है, इससे अच्छा है कि वाइपर से पहले इसको साफ़ कर दिया जाए, ताकि थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो सूख जाएगा। हाँ, वाइपर से तो बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा, जो बचेगा पोंछे की तरह ही बचेगा, जो कि थोड़ी देर 5-10 मिनट में ही सूख जाएगा फिर बाथरूम में ये पानी जो भी बचेगा। और यहाँ वाइपर से मैं पूरा पानी को मोरी की तरफ कर देती हूँ, ताकि पूरा पानी निकल जाएगा बाहर। अब देखिए बाथरूम हो गया पूरा क्लीन, उसकी टाइल्स एकदम साफ नीट एंड क्लीन लग रही है, नीचे से फ्लोर उसका, बस वॉल है वो थोड़ी गंदी लग रही है, तो उसको भी एक दो दिन के अंदर मैं क्लीन करने की कोशिश करूँगी। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।